हाँ जी गाइज, कैसे आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज, ये एक्सरे कोर्स की सीरीज चल रही है, जिसका ये पार्ट था हमारा 68 एक्सरे इमेज अनशार्पनेस, या बोल सकते हो एक्सरे अनशार्पनेस। अनशार्पनेस क्या होती है गाइज, ये आपका कंसेप्ट आप इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक क्या है गाइज? एक्सरे अनशार्पनेस। तो ये देखो गाइज, एक्सरे अनशार्पनेस इज ए कंसेप्ट ऑफ लॉस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द एक्सरे इमेज एंड अफेक्ट द इमेज क्लियरिटी। ये देखो, अनशार्पनेस वो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर जो भी अपनी स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स कितने उस एक रीजन के अंदर कितने पिक्सल्स आ रहे हैं, कितनी क्वालिटी आ रही है, अगर उसके पिक्सल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं तो अपने को ये क्वालिटी अपने को बेटर नहीं देखने को मिलेगी, और ये क्या करेगा, अपने को एक्सरे इमेज क्वालिटी को अफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये देखो गाइस, जैसे नॉर्मल इमेज में ये देखो, ये बलरी बलरी टाइप से आ रहा है ना अपने को, ये अपना अनशार्पनेस हो रहा है, मीन्स जो अपने को एक्सरे इमेज क्लियर नहीं दिख रही। और ये क्लियर क्यों नहीं दिखेगा गाइस? क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन का कंसेप्ट रहता है उसके अंदर, अलग पिक्सल्स बाई पिक्सल्स का कंसेप्ट रहेगा, और वो पिक्सल्स बाई पिक्सल अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन बिगड़ जाएगी। स्पेशल रेजोल्यूशन बिगड़ती है उसका कंसेप्ट रहेगा अनशार्पनेस का, उसको बोला जाएगा एक्सरे अनशार्पनेस। ठीक है, अगर आप थ्योरी में, मुझे नहीं पता कि आप किस स्टडी किस बेस पे पढ़ रहे हो, बट मैंने आपको एक सिंपल इसका कंसेप्ट बता दिया। देन ये अपने को अलग अलग टाइप्स की अनशार्पनेस देखने को मिलेगी। तो जैसे बहुत सारी अनशार्पनेस है, जैसे तीन मेन अपने को देखने को मिलेगी। मोशन अनशार्पनेस, मोशन अनशार्पनेस इज कॉज्ड बाई मूवमेंट ऑफ पेशेंट। ये देखो भाई, मोशन अनशार्पनेस, मोशन आर्टिफैक्ट, ये ना आपस में रिलेटेड से वर्ड है, और इनमें क्या होता है ना, पेशेंट खुद मूवमेंट कर देता है। अगर पेशेंट ने मूवमेंट कर दी तो वहाँ उसका स्पेशल रेजोल्यूशन, वो जो फिक्स पिक्सल्स आने थे वो पिक्सल थोड़े से वाइब्रेट कर देंगे, वो इमेज कैप्चर होगी, तो अपने को फिर वो इमेज बदली या नोइजी वगैरह देखने को मिलेगी। अगर पेशेंट थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट करता है ना, तो वो मोशन अनशार्पनेस में के अंदर काउंट हो जाता है। मे बी वो धुंधला धुंधला लिखे दिखे, या फिर ज़्यादा ही वैसे डिजीनेस वगैरह देखने को मिले एक्सरे इमेज में, ज़्यादा जैसे फोकी फोकी हो सकता है ना, कोई हाथ हिल रहा है। जैसे आप नॉर्मल एक चेस्ट एक्सरे करते हो, कई बार पेशेंट सांस नहीं रोकता, तो वहाँ अपने को पता लग जाता है ना, तो उसका एक्सट्रीम केस अगर देखा जाए तो वो मोशन अनशार्पनेस के अंदर चला जाएगा। देन ये देखो गाइज, ये जैसे एक इमेज है, ये इसमें जैसे बदरी बदरी से इस टाइप से अपने को अनशार्पनेस देखने को मिलेगी। ये ग्राफिक्स गाइज मैंने खुद ही बनाए, तो आप इसको एक बार इस कंसेप्ट से ओवरव्यू कर लेना, अंडरस्टैंड जरूर कर लेना। देन कह रहे हैं कि टू रिड्यूस मोशन अनशार्पनेस वी मस्ट कीप द पेशेंट इमोबिलाइज और आस्क द पेशेंट टू नॉट मूव। अपने को क्या करना है गाइज, जो भी ये जो मोशन अनशार्पनेस को अगर रिड्यूस करें, तो अपने को पेशेंट को बोलना पड़ेगा कि सर या मैम आपको हिलना नहीं है, आपको बोला जाएगा कि सांस रोकना है, इस टाइम आप सांस लीजिए, तो उसको पूरे इंस्ट्रक्शंस आपको देने हैं। और यहाँ क्या होगा, जब आपको बता देना कि पेशेंट को अगर आपको हिलना नहीं है, अगर आप हिलोगे तो सर आपकी इमेज खराब आएगी, और फिर अपने को दोबारा एक्सपोज करना पड़ेगा, अपना भी टाइम ज़ाया करेंगे और पेशेंट के भी अपन रेडिएशन डोज को वहाँ बढ़ा रहे होंगे। देन कह रहे हैं कि अगर आपने इतना बोल दिया तो पेशेंट को क्या करना होगा, एक जगह फिक्स रहना होगा, और उसको अगर बोला जाए कि सांस रोकना है तो सांस रोकेगा, सांस लेने के लिए बोला जाएगा। तो ये कंसेप्ट रहेगा गाइस, मोस्टली अब्डोमेन या चेस्ट के रीजन के अंदर ये कंसेप्ट आपको फॉलो करना होगा, तो जिससे क्या होगा, मोशन शार्पनेस से आप बच सकते हैं। देन कह रहे हैं कि अगर एक कंसेप्ट ये होगा कि कोई वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री एक्शन हो रहा है, जैसे कोई वॉल्यूंट्री हो सकता है बॉडी पार्ट का, जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग का है, या फिर कोई भी हार्ट की शेडो वगैरह है, तो ये मूवमेंट तो अपने को रेगुलर देखने को मिलेगी गाइज। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको एक बार ध्यान रख लेना कि यार कहीं आप कुछ ऐसा बॉडी मूवमेंट हो रही है, जैसे हार्ट रीजन को बोल दो कि यार ये मोशन आर्टिफैक्ट आ रहा है, या फिर मोशन अनशार्पनेस के अंदर इसको आप अकाउंट कर लो, तो वो नहीं होगा गाइज। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, मीन्स मूवमेंट कौन सी है, वॉलंटरी है इनवॉलंटरी है, कौन सा उसका बॉडी पार्ट का एक्शन है, क्या उसका परफॉर्मेंस है, वही ना। अगर हार्ट रुक गया तो फिर आपको पता ही है गाइज, तो ये कंसेप्ट आपको फॉलो करना होगा। देन जियोमेट्रिक अनशार्पनेस, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस क्या होती है गाइज? देखो, इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ जियोमेट्री ऑफ द एक्सरे बीम इन रेडियोग्राफी। जो एक्सरे बीम आ रही है उसकी क्या जियोमेट्री है, मीन्स उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग बीम है, कितनी हार्ड बीम है, ये कंसेप्ट अपने को जियोमेट्रिक अनशार्पनेस में देखने को मिलेगा। इन एक्सरे इमेज डिक्रीज द जियोमेट्रिक अनशार्पनेस। ये देखो गाइज, जो भी फाइनल फोकस पॉइंट है वो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस को डिक्रीज कर देगा। ये जैसे कैसे करें गाइज, एंड रेडियोग्राफर गेट दिस कैन बी कैप्चर इन। ये देखिए गाइज, ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस अगर अपना कम होगा, मीन जितना अप्रोप्रिएट होगा, तो उससे क्या होगा, मीन्स यहाँ बात की जाएगी तो फाइनल फोकल स्पॉट जो भी अपना जो पॉइंट होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, वो अपनी एक्सरे सोर्स से अगर ज़्यादा दूर नहीं होगा, तो अपने को बेटर एक्सरे बीम देखने को मिलेगी। बेटर एक्सरे बीम होगी तो अपने को इमेज क्लियरिटी भी वहाँ बेटर देखने को मिलेगी। यहीं अगर हो सकता है अपन थोड़ी सी अगर डिस्टेंस पे करें, तो अपने को उसके अंदर पिक्सल्स वगैरह कम देखने को मिलेंगे, उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन कम देखने को मिलेगी। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन का कम है, उसका अगर कंसेप्ट बिगड़ रहा है, तो वहाँ वो किस में काउंट हो रहा है, शार्पनेस में। और यहाँ कंसेप्ट क्या है गाइज, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस का। ठीक है गाइज, और वहाँ कह रहे हैं कि अगर ये पॉसिबल नहीं है,
कि इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप द पेशेंट बॉडी नियर टू एक्सरे सोर्स, अगर आप उसको सोर्स के पास नहीं रख सकते तो अपने को कुछ ना कुछ इधर से उधर से कंसेप्ट को लगा के कि ताकि आप डिस्टेंस उसको कम कर पाए, ये चीज़ आपको फॉलो करनी है गाइस, कि आपको मेन अपना जो डिस्टेंस है ना वो पेशेंट से लेके जो एक्सरे सोर्स से अपने को कम से कम रखना होगा। देन कह रहा है कि तो अपने को क्या कंसेप्ट करना होगा गाइस, देन जो भी अपनी FFD अपने को तो कुछ नहीं करना, जो भी अपनी फिल्म फोकल डिस्टेंस है वो अपनी जो नॉर्मल रेंज है उससे बाहर चला जाएगा, अगर बाहर से चला गया तो फिर अपने को इमेजेंस आपने ये कंसेप्ट आप ऊपर कवर कर चुके हैं, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो अपने को क्या होगा जी पिक्सल्स वगैरह कम देखने को मिलेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन कम होगी, कम होगी तो आप फिर क्या होगा अपने को एन शार्पनेस का कंसेप्ट देखने को मिलेगा, और जो इस केस में देखने को मिलेगा डिस्टेंस वाले केस में जो बीम की एन शार्पनेस है उसका क्या बोला जाएगा गाइज, ज्योमेट्रिक एन शार्पनेस। देन उसी तरह फिर एक नया कंसेप्ट आएगा गाइज, थर्ड वन सिस्टम अनशार्पनेस या सिस्टमेटिक अनशार्पनेस ऑफ एक्सरे, यहाँ कह रहा है कि द सिस्टम अनशार्पनेस इज कॉज्ड बाय द डिटेक्टर यूज इन एक्सरे बीम, ये जो अनशार्पनेस है गाइज ये जो सिस्टम होगा उसके अंदर यूज होगा ना, यहाँ ये बाहर का फैक्टर नहीं होगा, ये मशीन का फैक्टर हो जाएगा, मोस्टली अपन को सिटी वगैरह में कंसेप्ट करेंगे ना तो आपको उस टाइम ये कंसेप्ट आपको इजी समझ आएगा, इसलिए बोलता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप इस तरह की वीडियोस को इन फ्यूचर मिस ना कर सको। देन गाइज कह रहा है कि बिकॉज एवरी स्ट्रक्चर हैज लिमिट करेक्शन एंड लिमिट टू एक्सरे, यहाँ ये कंसेप्ट आ रहा है सिस्टम एंड शार्पनेस अपने उस टाइम देखने को मिलेगा, बिकॉज आप जो भी डिटेक्टर यूज करेंगे उसके कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे और कुछ ना कुछ उसकी करेक्टर्स होंगे, इस करेक्टर के साथ साथ उसके कहते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों होंगे, कुछ उसकी लिमिटेशन होगी और अगर आप उस लिमिटेशन के बियॉन्ड जाएंगे तो अपने को अनशार्पनेस देखने को मिलेगी, जैसे हो सकता है कि कोई भी जैसे ये क्रिस्टल्स वाले हो गए या फिर ये गैस वाले डिटेक्टर्स होंगे, मोस्टली सीटी के कंसेप्ट देखने मिलेंगे, अगर अगर एक्सरे इमेज में अपने एसी वगैरह नहीं लगा रखा तो वहाँ हो सकता है ओवर एक्सपोज अंडर एक्सपोज हो जाए इमेज, उनमें भी पेशेंट की मूवमेंट वगैरह हो जाए या फिर सिस्टम में कुछ फॉल्ट हो सकता है तो उसका अपने को शार्पनेस देखने को मिलेगी, उसका बोला जाएगा सिस्टम अनशार्पनेस। तो ये कंसेप्ट है गाइस, तीन अनशार्पनेस अपने को देखने को मिलेगी, फर्स्ट वन कौन सी होगी गाइज मोशन, सेकंड ज्योमेट्री, थर्ड वन इज द सिस्टम अनशार्पनेस, ये कंसेप्ट होगा गाइज एक्सरे, ये अपने इसका बेसिक सा कवर कर लिया, इसको एडवांस में आके अपने सीरीज में आप कवर जरूर करेंगे, तो आज के वीडियो में इतना गाइज, ओके थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, और गाइज अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप अपनी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप सेम ब्रांड नेम आप गूगल कर सकते हो।